आ गया बाबू, बहन का भरता में रोटी मौसर बात कर रहे एक बहुत है। बार बार गेट के बाहर खड़े होके खा लो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स आज गो व्लॉग। एक नए व्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। तो मॉर्निंग हो गई है, मॉर्निंग के बज गए हैं 10, काम वगैरह हमारा हो गया डन सब। हम नाश्ता कर रहे हैं तो चलते पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद बाकी का जो काम होता है। बर्तन तो तभी धुलते हैं जब नाश्ता होता है, तो बर्तन कपड़े भाई डेली का बोर हो गए। लेडीज़ के लिए पता नहीं एक ही काम क्यों रखा है, डेली 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 एक ही काम करो एक ही काम करो, बट क्या करें, करना पड़ता है। तो चलते पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो आज नाश्ते में बनाए बैंगन का भरता, सामने रोटियाँ एंड चाय है। बाकी सब भी खाना खा रहे। मजा आ गया बाबू, बहन का भरता में रोटी मिलता, भुनिया रोटी में। उठने का नाम नहीं रहा है, देख रहे हो। और अभी 11 बज गए हैं एंड ये उठा नहीं है अभी तक। और दिन ये 3 बजे भी सोता है तो ये 9 बजे 10 बजे ऐसे उठ जाता है। कल ये 1:30 बजे सो रखा है, आज अभी तक नहीं उठा है। दीपू यहाँ पे पढ़ाई कर रही है अपने बोर्ड्स की तैयारी। अगला पेपर कौन सा है? इंग्लिश। एक पेपर हो गया हिंदी का, अगला पेपर इंग्लिश का है। तो अभी जब तक ये सोया है तब तक नहा धो लेती हूँ, ये बाद में नहा लेगा उठेगा जब। यहाँ पर किचन भी साफ कर दी है, साफ सफाई होगी। तो अब हो गया नहाना धोना, सबका काम हो गया पूरा। तो अब खाना बनाते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ टमाटर की झोई, जिसको टमाटर की कड़ी भी बोल सकते हैं आप लोग। मेरा आज मन कर रहा था, मेरी ना मम्मी बनाती थी मायके में, यहाँ पे तो मम्मी और नहीं बनाते। एक बार मैंने पहले बनाई थी, दोबारा बनाती हूँ। तो आज उसकी रेसिपी भी आपको दिखाऊंगी। पहले मैं चिली पोटैटो बनाने की सोच रही थी, फिर चिली पोटैटो के लिए शिमला मिर्च नहीं, आप जब भी ड्यूटी से आएंगे चिली पोटैटो मैं तब बनाऊंगी, उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी जरूर। तो चलते हैं और टमाटर की कड़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे बरबुद्र उठ गया है, अभी अभी उठा, जस्ट देखना किससे खेल रहा है, संतरों से। आए अच्छा, ऐसे पिटी हो जाएगी तो ये दे दो बाबू, मेरा बाबू, मेरा बाबू, एक दे दो, एक दे दो, इसको दे दे, इसको बुरी नानी खाए। मौसी आई हुई है, उन्हें लाना है, वो उसको मैं लेके आती हूँ। तो यहाँ पे मौसी के लिए मैं चाय बना दी। तो अभी मैंने मसाला जो है वो अच्छे से उबलने के लिए रखा हुआ है, यहाँ पे चीनी भी डाल दी साथ में। चाय भी बन गई है बस। मौसी और नानी के लिए चाय और साथ में बिस्किट एंड नमकीन। मम्मी नहीं पीती चाय ज्यादा, तो इसलिए नानी और मौसी के लिए दे के आते हैं। निंगड़ी पिंगड़ी ये ले लिए मैंने मसाले, जिसमें मैंने बेसन लिया, बेसिक मसाले लिए, बाकी बेसन 2 चम्मच लिया, और बेसिक मसाले हल्दी नमक मिर्च और धनिया पाउडर लिया है। इसे अच्छे से मिक्स करके एक घोल रेडी करेंगे इसका। अब करते कड़ी बनाना स्टार्ट। तो मैंने कढ़ाई ले ली, कढ़ाई में तेल डाल दिया, अब इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। तो यहाँ पे मैंने प्याज कट कर लिए हैं, ये प्योरी बना ली है एंड ये घोल भी रेडी कर लिया है।
यहाँ पे चावल हो गए बिल्कुल रेडी, तेल हो गया गरम, अब इसमें डालेंगे जीरा, तो इसी के साथ इसमें डालेंगे प्याज। तो यहाँ पे प्याज भुन गया है, इसी में हम ये मसाला डाल देंगे जो कि हमने बनाया था, इसे भी मिक्स कर देंगे, इसे भूनने देंगे 2 मिनट, इसे इतना पकने देंगे ताकि बेसन जो है ना कच्चा कच्चा सा ना रहे। तो यहाँ पे मसाले ने तेल छोड़ दिया है, तो ये अच्छे से भुन गया है, अब इसमें डालूंगी मैं टमाटो प्यूरी, मिक्स करूंगी इसके साथ। मिनट हम इस टमाटर को भी इसके साथ भुनने देंगे मसाले के साथ। तो यहाँ पे भुनने लगे हमारे टमाटर, तो थोड़ी देर पकने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं जितना आपको खाना है, मतलब जितने आपको चाहिए ग्रेवीज में, क्योंकि हमें चावल के साथ खाना है तो मैं हल्की ग्रेवी रखूंगी इसमें। ये देखो इस तरह की बनेगी, अभी पकेगी। हाँ दीदी हमारी मिक्सी खराब हो रही है, देखना पिसा भी नहीं ढंग से, बट कोई नहीं ये भी पक जाएगा इसके साथ। बस अब इसमें बॉयल आने देंगे, मौसर बात कर, एक बहुत है। तो अब रखते हैं खाना सबके लिए। हाँ मम्मा, पहले नानी के लिए। क्या हुआ, भूख लगी? अरे रुक जा लड़के, ये हमारी चावल एंड टमाटर की कड़ी। खाना खा रहे सारे, जा रही हूँ घर। बाय बाय, बोलो बाय बाय। चला गया ना, चले इधर घुमाया था ना, बहुत कि बाहर घुमा लो मुझे बस, चले बाय। हाँ बस जरूरत ही नहीं आप किसी की। तो भी हमारा खाना पीना हो गया है एंड मौसी भी चली गई घर पे, तो अब हम भी थोड़ा थोड़ा आराम करते हैं। इसने देखना यहाँ पे फिर फैला दिया सारा सामान, 2 से 3 बार समेटने के बाद फिर देखो। तो अब चाय पानी हो गया है, तो अब मैं अपनी रेसिपी बनाती हूँ जो कि मैंने सुबह बनाने वाली थी, बट ये नहीं थी शिमला मिर्ची अभी लेके आई हूँ मैं, तो अब बनानी शुरू करते हैं। जल्दी बनाएंगे शॉर्टकट बनाएंगे मतलब शॉर्ट जल्दी जल्दी रात का खाना भी बनाना है। हाँ फिर रात का खाना बनाना है, तो चलो चलते स्टार्ट करते हैं। तो चिली पटेटो बनाने से पहले दाल उबाल लेते हैं, तो दाल में अभी मैं यहाँ पे सिर्फ नमक डालूंगी इसमें, ये भीगी सुबह से भिगाई हुई दाल है। दाल उबालने के लिए रख दिए साइड में, दूध रखा हुआ है गरम हो रहा, जो कि चिली पटेटो बनाने के लिए मैंने लिया आलू, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, यहाँ पे लहसुन लिया है, प्याज लिया है और सॉसेस लिए हैं सारे के सारे, कुछ पाउचेस भी है ग्रीन चिली सॉस के, टोमेटो केचप के, बाकी तीनों सॉसेस सोया सॉस और विनेगर, साथ में स्प्रिंग अनियन, तो ये सब चीज़ ले लिया। पहले मैं सब्जियों को कट कर लेती हूँ, यहाँ पे सारी सब्जियां मैंने कट कर ली है, शिमला मिर्च मैंने इस तरह से कट की है चौड़े वाले में, आप चाहे तो लंबे लंबे भी काट सकते हैं। प्याज मैंने नॉर्मली काट दिया, वो मोटा वाला इस तरह से नहीं काटा है, नॉर्मल काट कर दिया है। हरी प्याज, लहसुन और मिर्ची, यहाँ पे आलू भी मैंने सारे कट कर लिए हैं, ये देखो इस तरह से कट किए मैंने आलू। आलू में जो पानी है उसको हम सुखाएंगे, वो भी एक कपड़े की हेल्प से, तो सारे आलू पहले ऐसे कपड़े में डाल दूंगी मैं। उसे इस तरह से पोंछ लूंगी मैं बादा बाकी।
तरह से इनमें लगा पानी जो है ना वो सूख जाएगा। सूखे कपड़े से आपको पोंछना है, तो ये सूखा कपड़ा है, इस तरह से इसे रगड़ रगड़ के पोंछ लेंगे। तो यहाँ पे आलू मैंने अच्छे से पोंछ लिए हैं। अब इसमें मैं डालूँगी ये कॉर्नफ्लोर, ये दिखाना भूल गई थी मैं, कॉर्नफ्लोर एंड काली मिर्च। काली मिर्च अभी नहीं डालेंगे, अभी सिर्फ कॉर्नफ्लोर डालेंगे इसमें, क्योंकि कॉर्नफ्लोर डालने से ना क्रिस्पी होते हैं। तो इस तरह से मैं कॉर्नफ्लोर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, आलू में लगा दूँगी सब में। तो यहाँ पे मैंने सभी आलू में कॉर्नफ्लोर लगा दिया अच्छे से। तो कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया है, तो इसको डीप फ्राई करना है हमें आलू को, इसीलिए ज्यादा तेल लिया है। तो इसे अच्छे से गर्म होने देंगे, तो इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। साथ ही साथ हमारी जो दाल है वो भी उबल गई है, दाल उबल गई थी, तो यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिए ताकि चावल बन जाए। आज रात को गाँव की दाल और चावल बनने वाले हैं, तो मैंने सोचा बना लेती चिली पटाटो। काफ़ी टाइम से मैं दीपू को बोल के चिली पटाटो बनाएंगे, तो वो कह रही भाभी कब बनाऊंगी, तो इसलिए मैं आज बना रही हूँ। यहाँ पे शम्भी उठ गया है, दादी के साथ खेल रहा है अपनी। ओए होए नौटंकी। यहाँ पे आलू जो है हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन कलर के होने लग गए हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी से करूँगी मैं इनको। तो आप इनको, आप चाहो तो इनको डबल डबल फ्राई भी कर सकते हैं यानी, बट मैंने उस तरह से नहीं किया क्योंकि अभी टाइम नहीं है डबल फ्राई करने का, तो इसीलिए मैंने इस तरह से किया है। मैं इसी तरह से क्रिस्पी कर देती हूँ आलू। ऑयल आ गया, तो अब ये हो गए गोल्डन ब्राउन कलर के, अब इनको निकाल देते हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे आलू मैंने कर दिए अच्छे से फ्राई। अब बनाते हैं चिली पोटैटो। चिली पोटैटो बनाने के लिए मैं एक चीज और बना देती हूँ, कॉर्नफ्लोर का घोल। इसमें मैंने एक चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, उसमें पानी डाल दूंगी, इसकी पतली सी स्लरी बना लूंगी। क्योंकि जो थिकनेस होती है वो इसी से आती है चिली पोटैटो में। और साथ ही साथ मैंने फूड कलर भी लिया है, जिसको पानी में मिक्स करके मैंने उसका भी एक पेस्ट जैसा रेडी कर दिया है। तो अब सब चीज़ें हो गई है रेडी, तो बनाना स्टार्ट करते हैं चिली पटेटो। तो जिसमें मैंने फ्राई किए थे, थोड़ा उसी का आलू का ही है, उसी में मैं चिली पटेटो बनाने वाली हूँ। प्याज उसका तो सॉटे कर लेंगे, इसमें डालेंगे ग्रीन चिली। अच्छा पन इसका दूर हो गया है, तो अब मैं इसमें डालूंगी कैप्सिकम। यहाँ पे सब्जियों को हल्का गलाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। तो हल्का हल्का इनको पका लिया है प्याज और शिमला मिर्च को, अच्छे से नहीं पकाएंगे क्योंकि अभी हमारे जो सॉसेस डलेंगे उनके साथ भी ये पकेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले टोमेटो केचप डालूँगी, साथ में डालूँगी ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, एक ढक्कन में डालूंगी विनेगर, और आधा ढक्कन में डालूंगी इसमें सोया सॉस, मिक्स कर लेंगे सॉस इसको, और इनको सॉसेज के साथ थोड़ी देर पकने देंगे। तो सॉसेज भी हल्के हल्के पक गए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी इसमें फूड कलर, मिक्स कर लेंगे इसको भी, थोड़ा रेडिश कलर में अच्छा लगता है। हरी गोली थी जो है इसमें डाल देंगे, और
इसमें मैं डालूंगी चुटकी भर काली मिर्च। अब सलरी जो है वो अच्छे से बन गई है हमारी, मिक्स करते रहेंगे, थोड़े थोड़े आलू डालेंगे क्योंकि आपको पता है मुझे मिक्सिंग में कितनी प्रॉब्लम आती है। ग्रेवी वाले जैसे होते हैं ना वो बनाए, सूखे वाले नहीं बनाए क्योंकि हल्की ग्रेवी पसंद आते हैं हमें सबको, तो मैंने सोचा ग्रेवी बनाया जाए। यहाँ पे सारे आलू मैंने कर दिए हैं ऐड, मिक्स कर लेंगे अच्छे से और मिक्स कर लेंगे इनको अच्छे से। तो यहाँ पे हमारे चिली पटेटो हो गए हैं बिल्कुल रेडी। तो यहाँ पे हमारे चिली पटाटो हो गए हैं एकदम रेडी और फुल प्लेट बने हैं, बिल्कुल फुल से ज़्यादा ही बने वैसे तो। स्प्रिंग अनियन से, स्प्रिंग अनियन तो अच्छा लगता है खूब सारा डाल। देखो तो ये रेडी हो गए हैं बिल्कुल हमारे चिली पटाटो। गार्निशिंग की है मैंने स्प्रिंग अनियन से और अनियन से, देखो लग रहे हैं ना बिल्कुल पसार के। एक चम्मच इधर और एक चम्मच इधर। तो ये बन गया हमारे चिली पटेटो। तो चावल रेडी हो गए हैं, हम बना रही हूँ दाल। तो यहाँ पे रात का डिनर भी रेडी हो गया है, गांव की दाल बन गई है। मैं यहाँ पे रुक गई तो सबू मेरे को धक्का दे रहा है। चलो देखो नानी क्या बनाया उन्हें। चम्मच से लेना पड़ेगा, ले तो लेने नहीं सही, ले हाथ में क्यों ले रहे हो, चम्मच से खाओ इनकी है। खाओ खाओ, अरे चाख ले। पूरी प्लेट खा लो, खा लो फुल प्लेट बने हो। दीपू की फेवरेट चीज बनी आज तो। दीपू सूंघ लो बस, दीपू सूंघ लो बस, ऐसे करो बस। पहले मैं इसकी फोटो लूंगी। नहीं नहीं सिर्फ सूंघ के और वापस, हाँ स्नैप स्नैप इंस्टा जो वीडियो लगाने वो लगा दो और बस फिर पेट भर लेना। अच्छा हो रहा नानी, बहुत अच्छा हो रहा है। घूम रही है तभी तो अभी मैं प्लेट में भी दे रही हूँ। दो दो खा रही है इकट्ठा, देख कैसे खा रही हूँ। इसको भी दे दो। लो यार आप भी खाओ। नहीं देगी, रुको मैं देती हूँ। लो भाभी देगी, काट लेंगे। ले भाई लो फोटो खींच रही है। बोलो खाने से पहले लड़कियाँ क्या करती है, फोटोज ही लेती है। मैं ये दीपू को दिखाने के लिए कह रही हूँ, बस उसकी पढ़ाई होने वाली है फिनिश। सूंघ लो लो, बस पेट भर गया। तो अभी इनको प्लेटों में देते हैं सबको अलग अलग। मूली की चटनी लेके खाएगी। अच्छा इसमें प्लेट हाँ, एक मिनट ये लो दो रखना। नानी को पसंद आया। मेरे को बहुत पसंद आ रहा है, मैं पेट भर के खा लूंगी। खा लो खा लो। पहले टेस्ट कराया मैंने, बांट दिया मम्मी का। लो थैंक यू। ये मेरा और दीपू का है, दीपू भी पढ़ाई कर रही है तो बाद में खाएगी। और ये मैंने इनके लिए रख दिया। तो चिली पटेटो सबको ही पसंद आया एंड हो भी रियली रियली टेस्टी रहे कसम से। मैंने भी एक पीस खा के देखा था तो अच्छे हो रहे हैं। नानी को भी बहुत पसंद आए। तो इस तरह से एक बार चिली पटेटो घर में ज़रूर ट्राई करना, बिल्कुल बाजार जैसे बनते हैं और एकदम मस्त बनते हैं। तो थोड़ा टाइम लगता है। शाबाश है, थोड़ा
थोड़ा नहीं बहुत टाइम लगता है, बट क्या बोलते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो इतनी मेहनत के बाद बन गए हैं, तो हम भी थोड़ा सा और चख लेते हैं बस एक बार। ये आपके लिए मुंह में पानी आ रहा होगा, कोई नहीं अभी वो खा लेगी उसके लिए है, तो अब हम इसको एंजॉय कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे बाद में। देखो हाँ इसे चिली पटेटो पसंद है मेरे और दीपू के इसे के खाने आ गया, लो बस बस रहन दो। तुम्हारे बाहर वाले से भी अच्छे हो रहे ना उसको चिली पटेटो बहुत पसंद है। सम्मू कहाँ गया? ये देखना इसके पापा आइसक्रीम लेके वो आइसक्रीम खाने लग गया, चिली पटेटो खा रहा था, अब छोड़ दियो, अब खाने लग गया आइसक्रीम। खरीद के लेके आई, मिलो बाहर का खा लो, तुम्हें तो बाहर का ही पसंद आता है। ऐसे लग रहा है बाहर ही खा रहा हूँ, बार बार गेट के बाहर खड़े होके खा लो बढ़िया आ रहा है, मुझे सॉस लाया तो काम आ गया ना। हाँ सॉस ही का कमाल है, बस स्वाद तो है पर विश्वास भी है ना हाँ क्योंकि घर में बना है ना इसीलिए, हमें पता हमने क्या क्या डाला है, बस में स्वाद ही स्वाद है। नानी आइसक्रीम खा रही है अपनी बाहर वालों से। हम्म, बाहर वालों से खोले है ना, खोलते हैं पहले से फ्राई करके रख देंगे। चिली पटेटो बहुत चलेंगे। हाँ चिली पटेटो तो बहुत खाते हैं लोग बहुत ज्यादा। अरे चौमिन नहीं, चौमिन कहाँ पे लगाना है ठेला, बाहर यहाँ पे मोमोज वाली आंटी के। तो शुरुआत बाद बाद में तो हो जाता है। तो अब करते हैं अपना डिनर, ये है चावल एंड दाल। बाकी ये बच्चे खाना खाने के लिए बाकी सबने खा लिया है। गाइस ये थी हमारी आज की रेसिपी, आई होप आपको पसंद आएगी, तो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। और कई लोग बोलते हैं आप किचन में खाना बनाते रहते, किचन में कुछ भाई तो, हमारा काम है हमारी ड्यूटी समझ लो, किचन में खाना ही बनाते हैं और करते क्या है वही तो किचन बनता ही खाना बनाने के लिए करते, जो कि रिकॉर्ड नहीं हो पाता तो काम होते हैं। हम कुछ भी बनाते हैं, चलो हम खाना बना रहे जो भी बना, कम से कम बाहर से अच्छा हम अपने घर में बना के खा रहे हैं हेल्दी खाना, मतलब एक तरह से हेल्दी। बाहर वाले किस तेल में बना रहे हैं क्या बना रहे हैं हमें नहीं पता ना, घर में हम कम से कम शुद्ध तेल में तो बना रहे हैं कम से कम। तो गाइस हमने चैनल खोला है तो खाना मतलब जैसे रेसिपी वगैरह देना है किचन में मतलब तो जाना ही पड़ेगा रेसिपी वगैरह बनाने के लिए, रेसिपी बनेगी तो फिर उसको हमने फेंकना थोड़े ना, खाएंगे ही ऑब्वियस सी बात है। तो चलिए गाइस वीडियो का एंड करते हैं, तो मिलते हैं नए रेसिपी नए ब्लॉग में, तब तक लिए बाय गाइस टेक केयर। बाय गाइस टेक केयर, बोलो बाय बाय बाय।